हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने ट्रेजेडी और उसके काइंड्स की बात की थी और आज हम सीखेंगे कॉमेडी और कॉमेडी के डिफरेंट काइंड्स और उन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट वाइज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर से भी एग्जाम में आपको कम से कम एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कॉमेडी की आती है तो कॉमेडी की ओरिजिन कहाँ से हुई, ये कहाँ से आया, इसको हम बात कर लें। ये एक ग्रीक वर्ड है कोमोस। कोमोस से इसकी ओरिजिन मानी जाती है और कोमोस का जो मतलब होता है वो होता है फ्रेंड्स मैरी मेकिंग। कोमोस और मैरी मेकिंग, तो यानी अगर हम सिंपल वे में कहें तो कॉमेडी क्या है? कॉमेडी एक ऐसा प्ले होता है जिसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है। क्लियर फ्रेंड्स? और देखिए, कॉमेडी की बात जब आती है तो हमारे माइंड में वो वर्ड्स आने लगते हैं, वो एक चित्र उभर कर आता है कि कॉमेडी एक ऐसा प्ले होगा जिसको पढ़कर हंसी आए। एक्चुअल क्योंकि फ्रेंड्स हम जब कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो हमें हंसी आती है, तो वही रेफरेंस हम यहां लगा लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहां प्ले की अगर बात है तो ये ऐसे प्ले होते हैं जिनको पढ़ के हमें हंसी नहीं आती, बल्कि ये वो प्ले हैं जिनकी एंडिंग हैप्पी होती है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो कॉमेडी और ट्रेजडी, अगर एंडिंग जो है वो हैप्पी नहीं है तो ट्रेजडी कहलाएगी, हैप्पी एंडिंग है तो कॉमेडी कहलाएगी। क्लियर? अब अगर कॉमेडी के प्रकार की बात करें, इसके काइंड्स की बात करें, तो इसके बहुत सारे काइंड्स है फ्रेंड्स, जिनमें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर आता है, कॉमेडी ऑफ आइडियाज है, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, कॉमेडी ऑफ मोरल्स है, कॉमेडी ऑफ इसमें ब्लैक कॉमेडी है, बर्लेस्क है, फार्स है, डोमेस्टिक कॉमेडी है, आपका रोमांटिक कॉमेडी है और इवन आपकी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। तो बहुत सारे काइंड्स यहाँ निकल कर आएंगे, लेकिन हम उन सबको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, अपने सिलेबस के अपने मतलब के यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला अगर हम नाम लेते हैं तो हम चलिए बात करते हैं हम रोमांटिक कॉमेडी की। इसका पहला काइंड फ्रेंड्स रोमांटिक कॉमेडी। अब देखिए, रोमांटिक कॉमेडी की अगर बात करें तो ये वो कॉमेडीज हैं जो बेसिकली लव कॉमेडीज हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, रोमांटिक कॉमेडीज को अगर हम कहें तो हम कहेंगे इसको बेसिकली लव कॉमेडी। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? एक बात। दूसरी बात ये होती है, जो रोमांटिक कॉमेडी है उसकी जो एंड्स होता है उसका, वो विद हैप्पी मैरिज, मैरिज के साथ उसका एंड होता है। तो एंड्स विद हैप्पी मैरिज। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? एक्चुअल में जो शेक्सपियर ने कॉमेडीज लिखी तो वो कॉमेडीज रोमांटिक कॉमेडीज कहलाती है। यानी शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज, मोस्टली रोमांटिक कॉमेडीज शेक्सपियर ने लिखी है। हालांकि ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखी, जिसको हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां हम बात करते हैं जो शेक्सपियर कॉमेडीज आर बेसिकली रोमांटिक कॉमेडीज। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? यानी शेक्सपियर की कॉमेडीज वो बेसिकली वो क्या थी, मोस्टली रोमांटिक कॉमेडीज थी, नॉट बेसिकली, बल्कि हम यहाँ और वर्ड कह दें मोस्टली, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्लियर बात फ्रेंड्स? मोस्टली रोमांटिक कॉमेडीज। अब इसके अलावा शेक्सपियर ने रोमांस भी लिखे, चलिए रोमांस की भी बात हम यहाँ कर ले। और शेक्सपियर के रोमांसेस कौन कौन से थे, उनमें नाम लिया जाता है फोर प्लेज हैं फ्रेंड्स, सिम्बेलाइन, पेरिकल्स, विंटर टेल्स एंड टेम्पेस्ट। सिम्बेलाइन,
पेरिकल्स, द टेम्पेस्ट, और दूसरा नाम लिया जाता है टेम्पेस्ट के बाद फ्रेंड्स, विंटर्स टेल। क्लियर? तो ये शेक्सपियर के रोमांसेस कहे जाते हैं। देखिए रोमांटिक कॉमेडीज के जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स रहे हैं जिन्होंने रोमांटिक कॉमेडीज को लिखा, उनमें नाम शेक्सपियर का आता है, जॉन लिली का आता है, ग्रीन का आता है और नैश का आता है। यानी सिंपल वे में कहें कि एक तो शेक्सपियर हो गया और दूसरे जो आपके पास यूनिवर्सिटी विट्स हैं उन्होंने रोमांटिक कॉमेडीज को लिखा। क्लियर है फ्रेंड्स? रिटन बाय सबसे पहला नाम तो किसका आता है? शेक्सपियर का, लिली, ग्रीन एंड नेस। क्लियर? और एक चीज और है फ्रेंड्स, यहाँ कई बार मैं सरनेम ही लिख देता हूं पूरा ऑथर का नाम ना लिख के, तो उसको वैसे तो आप जानते होंगे, समझ जाते हैं सब, लेकिन किसी में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली सरनेम इसलिए लिख देता हूं ताकि पूरा अगर नाम लिखूं तो भाई टाइम हमारे लिए, टाइम स्पेस दोनों ज्यादा जाएंगे, तो थोड़ा टाइम भी बच जाए हमारा और हम सीख भी ले। क्लियर? अब इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट कॉमेडी की अगर बात करें हम, तो फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है, किसको माना जाता है फर्स्ट कॉमेडी? वो माना जाता है रॉयस्टर डॉयस्टर को। क्लियर? रॉयस्टर डॉयस्टर ये फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है और इसके जो राइटर थे वो थे फ्रेंड्स निकोलस यूडाल। निकोलस यूडाल की ये लिखी हुई थी रॉयस्टर डॉयस्टर। क्लियर है फ्रेंड्स? हालांकि ये पहले भी आपको बताया जा चुका है, डजंट मैटर, रिपीट होता है, हो जाने दीजिए, जो रिपीटेशन होगा तो लर्न भी होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थी हमारी रोमांटिक कॉमेडी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? लव कॉमेडीज होती है बेसिकली, हैप्पी मैरिज इनमें होती है, और शेक्सपियर ने मोस्टली रोमांटिक कॉमेडीज लिखी। सिम्बलाइन, पेरिकल, टेम्पस्ट एंड विंटर्स टेल ये शेक्सपियर के रोमांसेस रहे हैं, और लिली, ग्रीन, नेस शेक्सपियर ने इनको लिखा। फर्स्ट कॉमेडी की बात करें तो निकोलस यूडाल की रॉयस्टर रॉयस्टर फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है। चलिए अब बात करते हैं हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की। देखिए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है, सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, जो ह्यूमर वर्ड है इसका मतलब होता है फन, लेकिन यहां इस वर्ड का मतलब फन नहीं है। ये उस फन को या लाफ्टर को यहां एक्सप्रेस नहीं करता। ये एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि इस कॉमेडी को, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को अडॉप्टेड किया और प्रैक्टिस्ड किया बेन जॉनसन ने, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें फोर फ्लूड्स होते हैं। जो फोर फ्लूड्स होते हैं उनमें से जिसकी भी मात्रा अधिक हो जाती है बॉडी में, व्यक्ति में वही लक्षण आ जाते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद और आपको क्लियर हो जाएगा। अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड बाय बेन जॉनसन। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, फोर फ्लूड्स हैं ह्यूमन बॉडी में, फ्लूड्स प्रोड्यूस ह्यूमर। और कौन सी फोर फ्लूड्स है फ्रेंड्स? सबसे पहले है आपके पास ब्लड, और ब्लड क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है चीयरफुलनेस। क्लियर? इसके बाद है आपके पास फिल्म, फिल्म से आपको जो प्रोड्यूस होता है वो होता है काम, यानी शांति। और नेक्स्ट है कॉलर, कॉलर से होता है इलनेस, और इसके बाद है मेलनकली। मेलनकली से प्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स सैडनेस।
अब कैसे होता है, चलिए मैं इसको समझा देता हूं आपको। देखिए ये जो फोर फ्लूड्स हैं बॉडी में, ये फोर लिक्विड्स हैं, तो ह्यूमन बॉडी में इनकी जो मात्रा होती है वो बैलेंस्ड होती है। क्लियर? बैलेंस एक बना होता है और व्यक्ति नॉर्मल होता है, लेकिन इनमें से किसी की भी मात्रा अगर बढ़ जाए बॉडी में तो वही लक्षण व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे। जैसे अगर ब्लड बढ़ गया चीयरफुल हो जाएगा, फैन बढ़ गया काम हो जाएगा, कॉलर बढ़ गया बीमार हो जाएगा, और मेलनकली बढ़ गई तो व्यक्ति उदास हो जाएगा। अब जब वो किसी एक फ्लूड के बढ़ने से ये लक्षण जो फ्लूड के अंदर लक्षण है वही उस व्यक्ति के अंदर आ गए, और लक्षण आने के बाद वो क्या है, एक्सेंट्रिक हो गया, वो सनकी हो गया। अब जब वो सनकी हो गया, उसका व्यवहार अलग हो गया, तो फिर समाज उस पे हंसेगा, तो उस समाज में ह्यूमर पैदा हो रहा है। तो जो ह्यूमर पैदा हो रहा है वही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। बात क्लियर हो गई? यानी सिंपल वे में समझे, जो फोर फ्लूड्स है बॉडी के अंदर, उनमें से अगर सबकी मात्रा बैलेंस है तो व्यक्ति नॉर्मल, जिसकी भी मात्रा बढ़ गई वही लक्षण वही गुण व्यक्ति के अंदर आ गए, और फिर व्यक्ति क्या है वही एक्सेंट्रिक हो गया और एक ह्यूमर पैदा हो गया। क्लियर? तो उसको हमने नाम दे दिया कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। इसकी अगर बात करें इसके ऑथर्स की, तो सबसे बड़ा नाम जो आता है वो बेन जॉनसन का आता है, और इसके बाद एक ऑथर और रहे हैं, वो रहे हैं जॉर्ज चैपमैन। ये दो नाम यहाँ लिए जाते हैं, इसके अलावा भी और माइनर राइटर रहे हैं जिन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पे काम किया, लेकिन ये दो बड़े राइटर हैं। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? चलिए इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन है आपके लिए, और वो क्वेश्चन क्या है जो आपका टीजीटी पीजीटी से प्रीवियस पेपर से मैंने उठाया, वो एग्जाम में भी पूछा गया है। उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में लास्ट में दे दूंगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फ्लोरिजल और परडिटा दो कैरेक्टर्स हैं विलियम शेक्सपियर के किसी किसी प्ले में, तो आपको प्ले का नाम यहां बताना है। अब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉमेडी आती है कॉमेडी ऑफ मैनर। अब देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है। कॉमेडी ऑफ मैनर का जो सब्जेक्ट होता है वो किसी सोसाइटी में जो लोगों का व्यवहार है वो होता है, लोगों के मैनर्स होते हैं, लोगों के रहन सहन, भाषा, बोलचाल, वो तौर तरीके यहाँ कॉमेडी ऑफ मैनर्स के सब्जेक्ट होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो भी प्रचलन में है ऑथर उसी का उपहास उड़ाता है और उसी को वो अपनी कॉमेडी में एग्जिबिट करता है। क्लियर? अगर हम सिंपल वे में बात करें तो ये एग्जिबिट करती है सोशल मैनर्स को। एग्जिबिट सोशल मैनर्स को। बात क्लियर हो गई? और ये कब प्रचलन में आई, ये थिएटर क्लोज हो गए थे 1642 से लेकर 1660 तक, और उसके बाद एक जो मींस एक आपका रेस्टोरेशन एज वो इंग्लिश हिस्ट्री में आई, और जो रेस्टोरेशन एज आई, रेस्टोरेशन एज में ही ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो थी वो प्रचलन में आई। यानी यू कैन से रेस्टोरेशन एज में ये फ्लॉरिश हुई। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसके बाद है क्या, इसमें जो इसके ऑथर्स की अगर बात करें तो इसमें नाम लिया जाता है कॉन्ग्रीव, वायसरली एंड विलियम शेक्सपियर का। शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनमें एक तो लव लेवर लॉस्ट, ये नेक्स्ट काइंड है हमारे पास
सेंटीमेंटल कॉमेडी, और यू कैन से ड्रामा ऑफ सेंसिबिलिटी। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, जो ड्रामा ऑफ सेंसिबिलिटी है ये क्या है, इसमें एक्चुअल में जो ये रेस्टोरेशन कॉमेडी थी, रेस्टोरेशन कॉमेडी के अगेंस्ट एक रिएक्शन है सेंटिमेंटल कॉमेडी। और इसमें क्या था, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो मोरली बहुत ज्यादा गिर गई थी, तो जो वहां मोरली जो गिरावट थी, इमोरलिटी थी, उस इमोरलिटी के अगेंस्ट ये एक रिएक्शन होके आई, और जिसको नाम दे दिया हमने, मींस हमने क्या, जिसको नाम दिया गया सेंटिमेंटल कॉमेडी। और इसमें एक्चुअल में क्या था, इसका जो पर्पस था, ये मिडिल क्लास के लिए लिखी गई, बहुत ज्यादा ये प्रचलन में नहीं रही। और दूसरी बात, ये जो थी, इट प्रोड्यूसेस टीयर्स, मींस आदमी सेंटिमेंट, बिल्कुल भावनात्मक आप कह सकते हैं इसको, इट्स एम टू प्रोड्यूस टीयर्स। ये दो तीन बातें यहां सेंटिमेंटल कॉमेडी में रही है। तो चलिए इनको पेन डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक रिएक्शन थी अगेंस्ट इमोरलिटी। अगेंस्ट इमोरलिटी इन रेस्टोरेशन एज, और इन रेस्टोरेशन कॉमेडी। बात क्लियर है फ्रेंड्स? प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूसेस टीयर्स। और इसके बाद एक बात और, इसको जो लिखा है उसमें नाम आता है ओलिवर गोल्डस्मिथ का, ओलिवर गोल्डस्मिथ, और उसकी एक कॉमेडी रही है शी स्टूप्स टू कॉन्कर। क्लियर फ्रेंड्स? और इसी के साथ जो शेल्डन है, शेल्डन की द अराइवल, द अराइवल्स। क्लियर? इसके अलावा स्टील का भी इसमें नाम लिया जाता है। ये दो तीन राइटर ये सेंटिमेंटल कॉमेडी में कॉमेडी के राइटर माने जाते हैं। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? मीन्स रेस्टोरेशन, सिंपल वे में दोबारा इसको समझ लें कि रेस्टोरेशन एज में जो मोरलिटी में गिरावट थी, जो इमोरलिटी थी, उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन ये सेंटिमेंटल कॉमेडी है, और मिडिल क्लास में जो सेंटिमेंट्स हैं उनके लिए ये लिखी गई, और इसका जो पर्पज है वो क्या है, टू प्रोड्यूस टीयर्स। और जो नाम इसमें निकल कर आते हैं वो आते हैं आपके गोल्डस्मिथ, शेल्डन और स्टील के। दैट्स क्लियर? तो फ्रेंड्स, आई होप आज के लेक्चर के लिए ये काफी मटेरियल हो गया है, लेक्चर काफी लेंदी हो गया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।